Okay, hello Messi, welcome back to my channel.

थी साथ ही साथ हमने यह देखा था कि इस वुडवर्ड फिशर रूल की हेल्प से हम कैसे किसी अनसेच्युरेटेड सॉरी किसी कंजुगेटेड डाइंस या फिर ट्राइन्स या फिर पॉलिइन के लिए मैक्स की वैल्यू को मैक्स की वैल्यू क्या है आप सॉल्वेंट वरी कर रहे हैं जैसे आप क्रोमोफोरिक ग्रुप वरी कर, आप वरी कर रहे हैं जैसे आप ऑग्जोक्रोम वरी कर रहे हैं जैसे कंजुकेशन वरी कर रहे हैं तो छोटी छोटी चीजों की वजह से मैक्स की वैल्यू किसी भी सैंपल मॉलिक्यूल की वरी हो जा रही है अल्टर हो जा रही है तो इसी चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए वुडवर्ड और

लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालेंगे कैसे तो देखो लेमडा मैक्स की वैल्यू निकालना बहुत आसान है जैसे आपने कंजुगेटेड डाइंस ट्राइन्स में फॉलो किया था जो रूल उसी को अपने फॉलो करते हुए चलना है क्या करेंगे देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैरेंटल वैल्यू और बेस वैल्यू पर तो देखो थ्योरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ इस वजह से रिपीट नहीं कर रही हूँ एड मैंने किए ताकि आपको सारे लेक्चर्स पर सारी थ्योरीज मिल जाए तो हमको पता है हमारा फॉर्मूला क्या रहता था मैंने जैसे लास्ट लेक्चर पर भी बोला था फॉर्मूला रहता है हमारा मैक्स इज इक्वल टू बेस वैल्यू प्लस समीशन ऑफ सब्सिट्यूशन प्लस समीशन ऑफ अदर कॉन्ट्रीब्यूशन इसका मतलब अगर आपको किसी भी कंपाउंड के लिए मैक्स की वैल्यू निकालने

कार्बोनाइल कंपाउंड है तो कीटो भी हो सकता है एल्डिहाइड भी हो सकता है तो इन सारे कंपाउंड है, 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 तो है, है उसकी फिक्स वैल्यू यानी कि बेस वैल्यू को पहले रखो उसके बाद उसमें समीशन कराओ उसमें, के बाद उसमें एडिशन कराओ किसका अदर सब्टिटेंट का अदर सब्सिटेंट मतलब क्योंकि हमको ये देखो ये लास्ट के लेक्चर से हम ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो मैक्स की वैल्यू देखो हम उसे कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं क्यों क्यों है? देखिए होता है तो फिक्स रहती नहीं है आपको पता है क्यों नहीं रहती हमारे अगर में जिसके लिए भी हम उसके लिए कंजुगेशन बढ़ा दिया मतलब उसमें कोई डबल बॉन्ड आपने रख दिया जिसकी वजह से कंजुगेशन एक्सटेंड हो गया या फिर आपने वहां पर सॉल्वेंट फरी कर दिया तो इन बेसिक बेसिक फैक्टर्स की वजह से लेमडामेक्स की वैल्यू में शिफ्ट आपको देखने को होता है जो शिफ्ट हम लास्ट के लेक्चर्स पे पढ़ चुके हैं इस वजह से क्या होता है थोड़ा सा भी चेंज so आने की वजह से आपके मॉलिक्यूल में मैक्स की वैल्यू भी चेंज हो जाती है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती तो आपसे बोला गया अगर की, को, तो की कोई जरूरत नहीं है आप जैसे एक फॉर्मुले की उसकी ओरिजिनल वैल्यू है जो फिक्स वैल्यू है उसे आप रखो उसके बाद उसमें कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन लगा कॉन्ट्रीब्यूशन सब्सिट्य का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसे एड करो मतलब कोई ऑक्सोक्रोम है कोई क्रोमोफोर है कोई कंजुगेशन है कोई सोल्व

वैल्यू के साथ एडिशन की बात वैल्यू आएगी उसी को आप ओरिजिनल लेमडा मैक्स की वैल्यू बोलेंगे जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे भी बोला था आपके पास एक कंपाउंड है ए ओके okay, और इसके लिए इनिशियल वैल्यू यानी कि इसके लिए जो फिक्स वैल्यू इसकी जो पैरेंटल वैल्यू है सपोज वो टू हंड्रेड है लेकिन अगर मैं इसके साथ कोई क्रोमोफोर एड कर दू कोई इसके साथ मैंने कंजुगेशन uh, ऐड कर दिया इसके साथ मैंने एक डबल बॉन्ड ऐड कर दिया तो सपोज कीजिए इस डबल बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन है फाइव एनम इस ऑक्सोक्रोम का कंट्रीब्यूशन है टेन एनम तो अगर अब मेरे पास जो ये मॉलिक्यूल है इसके लिए

तो देखो फर्स्टली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पेरेंटल वैल्यू एंड इंक्रीमेंट फॉर अ डिफरेंट सब्सिटेंट एन ग्रुप फॉर अ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाल कंपाउंड ये बोल रहा है अगर आपके पास कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्फाबीटा कंपाउंड है तो उस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए पेरेंटल वैल्यूज क्या है और आपके पास जो उनके साथ जो सब्सिट्यूएंट लगे होंगे जो कोई डिफरेंट ग्रुप होंगे ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर वगैरह उनका कितना इंक्रीमेंट है यानी कि वो कितना एड होंगे उनकी वैल्यूज यहाँ पे आपको साफ साफ दी हुई है आप जस्ट इनको याद कीजिए आप क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लेंगे ठीक है तो फर्स्टली बात कर लेते हैं पेरेंटल वैल्यू क्या है तो देखो पेरेंटल वैल्यू आप सभी को पता है पेरेंटल वैल्यू मतलब बेस वैल्यू जिसकी वैल्यू फिक्स है जो चेंज नहीं होने वाली तो पहले बेस वैल्यूज क्या है उनको हम लोग देख लेते हैं तो बेस वैल्यू क्या होंगी तो देखो फर्स्टली आप ये समझो आपको क्या करना है अल्फाबीटा अनसेचुरटेड कार्बोनाइल कंपाउंड की आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे जो आपका अल्फाबीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है ये कार्बोनाइल कंपाउंड दोनों टाइप की हो सकते हैं ना इधर कीटो फॉर्म में हो सकता है आइदर एल्डीहाइट फॉर्म में हो सकते हैं है. तो यहाँ पे क्या है कीटो के लिए जो लेमडा मैक्स की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है और एलडीहाइट के लिए मैक्स की वैल्यू क्या होती है डिफरेंट होती है तो आपने जिस इतनी चीज माइंड पर रखनी है जिस इतनी चीज कि कीटो के लिए मैक्स की वैल्यू क्या होगी और एल्डिहाइड के लिए मैक्स की वैल्यू क्या होगी अगर ये दोनों याद कर लेंगे तो आपको बेस वैल्यूज मिल जाएंगी देन बेस वैल्यू मिलने के बाद जस्ट आप इंक्रीमेंट देखेंगे उसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे ठीक है तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ये बोल रहा है अगर आपके पास जो अल्फाबीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है वो कीटो टाइप का है देन उस केस में आपको मैक्स की वैल्यू किसके इक्वल मिलेगी टू फिफ्टीन एन एम इक्वल मिलेगी अब एक और चीज याद रखिएगा कि यहाँ

यानी कि आपने जस्ट कीटो देखना है आपने जस्ट ये देखना है कि आपका अल्फा बीटा अल्फाबीटा कंपाउंड एल्डिहाइड है या कीटो है ये नहीं देखना कि वहां पे आपकी साइकिल बन रही है या फिर असाइक्लिक असाइक्लिक रिंग आपके पास है बिकॉज साइक्लिक एंड दोनों के इसमें ही वैल्यू सेम आती है तो यहाँ पर लिखा है अगर आपके पास अल्फा बीटा अनसे असाइक्लिक और सिक्स मेंबर यानी कि साइक्लिक कीटो है उसके लिए मैक्स की बेस वैल्यू होगी टू फिफ्टीन एन एम लेकिन अगर आप कीटो के बदले ले लेते हैं एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड के लिए जो बेस वैल्यू होगी वो होगी टू जीरो सेवन

के लिए बना दी तो देखो कीटो की साइक्लिक फॉर्म कीटो की आपकी कौन सी फॉर्म असाइक्लिक फॉर्म दोनों अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटो हैं तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटो अगर आपके पास हो चाहे साइक्लिक फॉर्म में हो चाहे असाइक्लिक फॉर्म में हो उनके लिए वैल्यूज कितनी आनी है टू फिफ्टीन आनी यानी कि इन दोनों के लिए मैं बेस वैल्यू क्या लूंगी टू फिफ्टीन लूंगी और, और अगर मैं इसे क्या है

टू जीरो पेरेंटल वैल्यूज को याद रखना है and seven, बाकी तो हो जाएगा अब बात करते हैं इंक्रीमेंट की ठीके? तो, तो देखो अब क्या है तो देखिए ये इंक्रीमेंट हमने लास्ट लेक्चर पर भी पढ़े थे तो यही ग्रुप्स को हम लोग वहां डिस्कस रहे थे सेम ग्रुप्स है पर ग्रुप का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो वरी करेगा अल्फाबीटा अनसे

ये बोल रहा है ईच एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा वो करेगा एनएम का तो देखो ये हमने लास्ट लेक्चर दोबारा पढ़ा था ये बोल रहा है कि अगर आपको कोई ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड मिल रहा है ऐसा कोई साइक्लिक कंपाउंड मिल रहा है जिसमें आपको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मिल रहा है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मतलब साइकिल से जो बाहर डबल बॉन्ड निकले होते हैं उनको बोलता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यानी कि साइकिल से तो अप्रोच कर रहे देखो ये हमारी सिक्स मेंबर साइक्लिक रिंग है और इस साइक्लिक रिंग से बाहर कोई भी पोजिशन से क्या डबल बॉन्ड अगर निकला है तो इसे बोलता है एक्सो

तो अल्फा बीटा में आपको क्या दिख रहा है अनसेचुरेशन तो ये आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनल कंपाउंड है तो लेकिन इस रिंग को तो आप अल्फाबीटा अनसेड कार्बोनल पोजीशन में आप देख सकते हैं एक पास डबल बॉन्ड है। तो, है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक बॉन्ड है लेकिन ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है क्यों क्योंकि ये डबल बॉन्ड तो है रिंग के बाहर तो प्रेजेंट है बट रिंग से तो अप्रोच नहीं कर रहा रिंग से दूर है रिंग के साथ ये अटैच नहीं है तो हम बोल सकते हमारे पास इस स्ट्रक्चर में एक, 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 एक

ऐसे चलते रहेगा। तो अगर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुकेशन है तो इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा टू और लैमडा मैक्स वो होगा थर्टी एन का और इसकी इमेज भी मैं आपको दिखा देती हूँ आप नीचे देखो अगेन इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो अगर मैं इसको इरेज करूँ, इस ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को इरेज करो तो अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये आपका क्या है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोन कंपाउंड तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड तो देखो ये वाला जो आपका कंजुगेशन वाला पोर्शन है इसको एक्सटेंड करने के लिए हमने बाहर से एक ग्रुप लगाया हुआ है तो देखो ये ग्रुप अगेन आया है डबल बॉन्ड देन इसके एडजस्टिंग पोर्शन में सिंगल बॉन्ड एंड देन अगेन क्या है डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड तो यानी कि क्या हुआ ये दोनों डबल बॉन्ड क्या है ये बीटा अनसेचुरटेड कार्बोनल कंपाउंड की अल्फा बीटा अनसेचुरटेड कीटोन में कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं बिकॉज इनके एडजस्टिंग में आपने डबल बॉन्ड लगा दिए तो ये दो okay. दो डबल बॉन्ड है एक्सटेंड कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा बीटा अनसेड कार्बोनल कंपाउंड तो है बट उसके साथ यहाँ पे क्या आपके दो डबल बॉन्ड है जो कि कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं तो कंजुगेशन को एक्सटेंड करने के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो थर्टी एन का होता है और बहुत ज्यादा होता है आप देख सकते हैं बाकी के कॉन्ट्रीब्यूशन से ज्यादा है क्यों है क्योंकि कंजुगेशन क्या है बहुत ज्यादा लैमडामेक्स

वो क्या है कंजुगेशन में तो होने चाहिए लेकिन होमो एन्यूलर होने चाहिए यानी कि एक ही रिंग के अंदर होने चाहिए तो उनका क्वॉन्ट्री कितना होगा थर्टी नाइन एन एम तो आप अगेन इस इमेज को देख सकते हैं इस इमेज पर आप देखिए आपके पास क्या बीटा अनसेच्यटेड कार्बोनाइल कंपाउंड और उसकी एडजस्टेंट पोजिशन में आपके पास दो डाइन्स है मतलब दो डबल बॉन्ड है इसे आप क्या बोलेंगे डाइन्स और ये डाइन क्या है एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट है तो इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा थर्टी नाइन का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा बस आपने इन्हीं ही कॉन्ट्री को देखना है बस ये ग्रुप आपके इनफ है अगर आप इनकी वैल्यू याद कर लेंगे तो आप अपनी क्वेश्चन सोल्व है तो ये वैल्यूज आप याद रखिएगा अब मैं आपको क्वेश्चन पे लेके जाती हूँ एक दो हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं दैट्स ठीक है तो देखो क्वेश्चन आपका क्या है तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन रहा है आपको ये कंपाउंड दिया जाएगा और आप देख सकते हैं ये कंपाउंड आपका क्या है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कीटो का कंपाउंड है और आपसे पूछ

ये आपकी रिंग बी है और रिंग बी से ये अप्रोच कर रहा है तो आप देख सकते हैं आपके पास जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है वो है दो तो हम बोल सकते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है फाइव और दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो कंट्री कितना हो गया टेन एन इतनी चीज क्लियर आई अब देखो इसके बाद एक और चीज देखने को मिली देखो ना आपने कुछ एक्स्ट्रा देखना ही नहीं है आपको जो जो वैल्यूज यहाँ पर मैंने बताई हुई है बस उन्हीं को माइंड पर रखते हुए चलिएगा तो देखो पहले अगर मैं बोलू बिल्कुल नहीं है आप यहां देख सकते हैं दो डबल बॉन्ड तो है बट वो -एनुलर है यानी कि दो डिफरेंट रिंग से बिलोंग कर रहे हैं तो हेट्रो एनुलर की बात ही नहीं करनी है तो हेट्रो एनुलर तो चला गया होमो एन्युलर है इसकी हम बात नहीं करेंगे उसके बाद देखो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन क्या आपके पास ऐसा डबल बॉन्ड है जो कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है बिल्कुल है आप देख सकते हैं

रेसिड्यू है ये देखने की तो देखो अल्काइल ग्रुप तो आप देख सकते हैं नहीं है ठीक है आपको दिख रहा है साफ साफ अल्काइल ग्रुप नहीं है रिंग रेसिड्यू इसमें जरूर है रिंग रेसिड्यू क्या होती है देखिए आपको क्या करना है जो आपका कंजुगेशन वाला पोर्शन है उसे कवर करना है एक सर्कल से जैसे मैंने लास्ट लेक्चर पे बोला था ये आपका कंजुगेशन वाला पोर्शन है यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है मतलब आपको कंजुगेशन इतना मिल रहा है और आप बोलेंगे ये भी तो कंजुगेशन में है लेकिन ये जो की टू एलडीहाइड वाला ग्रुप होता है इससे हम स्किप करते हैं अल्फा बीटा अनसे कार्बोनाइल कंपाउंड में तो इस पोर्शन को आप स्किप कीजिए इसके अलावा जो डाइन वाला जो आपका कंजुगेशन है उसको आप माइंड पर रखेगा और उस कंजुगेशन को एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिये मैं इनको इमेज इरेज कर देती थी हूँ पहले ठीक है ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे खाली तो आप इसको देखिए ये यह है यहां देखिए ये यह आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो ये कंजुगेशन वाला एरिया है अगर मैं इसे कवर करूं तो आप देख सकते हैं यहां से मेरा ये जाएगा कुछ इस टाइप से ये देखो इतने एरिया पे मेरे पास इतने एरिया पे क्या है

पोजीशन आपकी क्या है अल्फा है ये पोजिशन आपकी बीटा है ये पोजीशन आपकी गामा है तो आप देख सकते हैं हमारे कौन कौन सा कॉन्ट्री हो रहा है अल्फा पोजीशन में टेन एन का बीटा पोजीशन में ट्वेल्व एनएम का गामा पोजीशन में एटीन एन का तो आपको सारी वैल्यूज मिल गई आपने बेस के साथ ये सारी वैल्यूज इसके अलावा कुछ नहीं है देखो इसके अलावा मैंने आपको बताया भी नहीं की कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको एड करनी है बस इतने ही इंक्रीमेंट देखना है तो आपने ये सारी वैल्यूज यहाँ पे चेक कर ली अगर ये सारी वैल्यूज मिल गई अब आप क्या करेंगे इनको एड करेंगे अगर मैं इन सबको एड करूँ तो टोटल वैल्यू आपको थ्री जीरो थ्री एन मिलेगी तो हम बोल सकते हैं लेमडा मैक्स वैल्यू कितनी है थ्री जीरो तो बस ये हमने निकाल लिया तो आपको कुछ चीज करनी ही नहीं है जो जो वैल्यूज उन सब के पास एक बार जाइए देखिए वो वैल्यूज प्रेजेंट है प्रेजेंट है तो बस वैल्यू को एड कर दीजिए फाइनली आपको लंबा मिक्स की वैल्यू मिल जाएगी ठीक है सिमिलरली अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हमने साइक्लिक की बात नहीं किया हम आपके सामने असाइक्लिक वाला एग्जाम्पल लेके आयो एक असाइक्लिक का एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं तो देखो ये जो आपका कंपाउंड है ये आप देख सकते हैं अल्फाबीटा अनसेचुरटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है बट कैसा कार्बोनाइल कंपाउंड है ये एल्डीहाइट का कम्पाउंड आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या है एलडीहाइट ग्रुप दिया हुआ ये आपका एल्डीहाइट ग्रुप है और इस एल्डिहाइड ग्रुप की अल्फा एंड बीटा पोजीशन में डबल बॉन्ड है इट मीनस आपका अल्फा बीटा अनसेटेड एल्डिहाइड कंपाउंड आपको दिया हुआ है ठीक है और इस कंपाउंड के लिए आपको मैक्स की वैल्यू पूछी गई है और आपने इसकी मैक्स की वैल्यू बतानी है तो कैसे बताएंगे फर्स्टली बात करेंगे इसकी पेरेंटल वैल्यू बेस वैल्यू क्या है तो आपको पता है एलडीहाइट के लिए बेस वैल्यू कितनी होती है टू और कीटो के लिए कितनी होती है टू है ना तो आप यहाँ पर टू फिफ्टीन के बदले क्या रखेंगे टू क्योंकि अब हम लोग एलडीहाइट की बात कर रहे हैं तो आपने बेस वैल्यू रखी टू

बीटा पोर्शन में ट्वेल्व एनएम का इंक्रीमेंट होता है तो अब हम क्या करेंगे इस बेस वैल्यू के साथ जो आपकी टू सेवन बेस वैल्यू आई थी इसके साथ ट्वेल्व एनएम को एड कर देंगे बिकॉज ट्वेल्व एनएम आपका इंक्रीमेंट रहता है बीटा पोर्शन का तो जो आपको वैल्यू मिलेगी जो कि टू जीड टू वन नाइन के इक्वल होगी तो ये टू नाइनटीन एन एम जो होगा ये इस पूरे कंपाउंड का लेमडा मैक्स होगा अगर मैं इसको क्या कर देती यहाँ से हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे भी एक इंक्रीमेंट कर देती हाइड्रोजन तो मुझे पता चलता सॉरी यहाँ पे भी एक इंक्रीमेंट कर देती मिथाइल ग्रुप का तो देखो मेरे को मिथाइल ग्रुप एक बीटा पोर्शन में भी मिलता

विद द हेल्प ऑफ वुडवर्ड फिशर रूल तो अभी इस लेक्चर को फिनिश कर लेते हैं मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे तब तक के लिए बाय बाय